टू साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। तो देखिए एक्स का मान पाई बाई थ्री इसमें रखेंगे तो वाई की वैल्यू देखिए बनेगी टू साइन पाई बाई थ्री प्लस साइन टू पाई बाई थ्री। साइन पाई बाई थ्री यानी साइन 60, साइन पाई बाई थ्री अंडर रूट 3/2, साइन टू पाई बाई थ्री। देखो साइन टू पाई बाई थ्री इसको सॉल्व करें, टू पाई बाई थ्री इसको हम ब्रेक करेंगे पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो ये साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन पाई बाई थ्री अंडर रूट 3/2, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3/2। तो दिस इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3/2। तो देयर फॉर पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट ऑन द कर्व इज एक्स पाई बाई थ्री और वाई 3 अंडर रूट 3/2। नाउ डिफ्रेंशिएट फर्स्ट कर्व विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, टू साइन एक्स का कोस एक्स हो गया, साइन टू एक्स का कोस टू एक्स और टू एक्स का टू। एट पॉइंट पाई बाई थ्री, थ्री रूट 3/2 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू कोस पाई बाई थ्री, एक्स की वैल्यू पाई बाई थ्री रखें, टू कोस टू पाई बाई थ्री, कोस पाई बाई थ्री यानी कोस 60 1/2, कोस टू पाई बाई थ्री हम इसको कैलकुलेट करें, कोस टू पाई बाई थ्री इसको मैं लिख सकता हूँ कोस पाई माइनस पाई बाई थ्री, कोस पाई माइनस पाई बाई थ्री माइनस कोस पाई बाई थ्री, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2। सो ये माइनस 1/2, टू कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो देयर फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पाई बाई थ्री, थ्री अंडर रूट 3/2 इज वाई माइनस वाई वन, फॉर्मूला इज वाई माइनस वाई वन, वाई वन इज 3 अंडर रूट 3/2 स्लोप 0, एक्स माइनस एक्स वन, सो वाई माइनस 3 अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2y-3√3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। कर्व हमें दे रखा है, गिवन कर्व ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट पॉइंट, पॉइंट ऑन द कर्व हमें दे रखा है ए एम स्क्वेयर ए एम क्यूब। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट दिस पॉइंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट इस कर्व को हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वेयर टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x2। सो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लें तो ये आ जाएगा 3x2 अपॉन, ये जो टर्म है डिवाइड में आ जाएगी, राइट साइड में आकर डिवाइड में आ जाएगी 2ay। अब करें एट पॉइंट, पॉइंट ऑन द कर्व हमें गिवन है तो इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की वैल्यू ए एम स्क्वेयर रखना है,
एक्स की वैल्यू ए एम स्क्वेयर रखेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर एम की पावर 4 अपॉन वाई की वैल्यू ए एम क्यूब। वी गेट यहाँ से मिलेगा हमें 3/2, एक ए कैंसिल हो जाए, देखो ए से ए कैंसिल हो गया, 3/2 एम रेज टू पावर 4 अपॉन एम रेज टू पावर 3, तो ये एम आ गया, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये मिल गया हमें 3/2 इंटू एम। स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -2/3m, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बनेगा -2/3m। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, पॉइंट हमारा है ए एम स्क्वेयर ए एम क्यूब, वाई माइनस वाई वन, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -2/3m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ से 3m को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दें, 3my माइनस 3am रेज टू पावर 4 माइनस 2x प्लस 2am स्क्वेयर, इन सब को लेफ्ट में शिफ्ट कर दें तो हमें मिलेगा 3my माइनस 3am रेज टू पावर 4 प्लस 2x माइनस 2am स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज 2x प्लस 3my, ओके। इन दोनों टर्म से देखिए, जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से एक तो माइनस कॉमन आता है, a कॉमन आता है और m स्क्वेयर कॉमन आता है। ये सब कॉमन लेने के बाद इस टर्म पर बच गया 3m स्क्वेयर प्लस, और यहाँ से 2 रह गया, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू cos 3x प्लस 4 एट x इज इक्वल टू pi माइनस 8/6। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू पहले इसमें रखें, पाई माइनस 8/6 ये x की वैल्यू है, ये हम इस कर्व के अंदर रख दें। सो y का मान बनेगा cos 3 इंटू x की वैल्यू पाई माइनस 8/6 प्लस 4, 3 × 2 = 6, cos में डिनोमिनेटर इनका सेपरेट करो, पाई अपॉन 2 माइनस 8/2 प्लस 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos, ये कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 होता है 0। तो जब x का मान पाई माइनस 8/6 है तो y की वैल्यू बनी 0, तो ये पॉइंट ऑन द कर्व आ गया, तो देयर फोर पॉइंट ऑन द कर्व is x pi माइनस 8/6 देन y 0, तो ये पॉइंट ऑन द कर्व आ गया। नाउ फर्स्ट कर्व को डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx निकाल लें, कर्व फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करना है। cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो cos 3x प्लस 4 का माइनस साइन 3x प्लस 4 इंटू एंगल का डेरिवेटिव और करेंगे तो 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा एट पॉइंट पाई माइनस 8/6 और 0। इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx, तो माइनस 3 इंटू साइन
थ्री एक्स, एक्स की वैल्यू पाई माइनस एट अपॉन सिक्स प्लस फोर, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री साइन थ्री टू जा सिक्स, तो ये आ गया टू। अगर मैं एलसीएम लो इसमें तो ये पाई माइनस एट प्लस एट, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई टू वन, तो माइनस थ्री इंटू वन, तो माइनस थ्री। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस थ्री, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है माइनस थ्री, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल वन अपॉन थ्री, नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है इसका, नॉर्मल का स्लोप टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पाई माइनस एट और पाई माइनस एट अपॉन सिक्स, पाई माइनस एट अपॉन सिक्स, पाई माइनस एट अपॉन सिक्स, और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट है इसका, जिस पॉइंट पर वाई माइनस वाई वन स्लोप वन बाई थ्री, एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला हमने लगाया, तो थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई माइनस एट अपॉन सिक्स। तो यहाँ से सिक्स एलसीएम आएगा, तो एटीन वाई छः से मल्टीप्लाई करूँगा, सिक्स एलसीएम आ रहा है इसलिए मल्टीप्लाई बाई सिक्स, सिक्स एक्स माइनस पाई प्लस एट हो गया, अभी बाहर माइनस का साइन था इसलिए साइन चेंज हो गया। अब यहाँ से हम इनको लेफ्ट साइड में ले आए, तो एटीन वाई माइनस सिक्स एक्स प्लस पाई माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, सो क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो कह रहा है परपेंडिकुलर टू लाइन, टेंजेंट है वो लाइन के परपेंडिकुलर है, x प्लस फोर्टीन वाई प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy वाई अपॉन डी एक्स टू एक्स प्लस टू, इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस फोर्टीन वाई प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, सो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ y, कोफिशियंट ऑफ x इज वन, कोफिशियंट ऑफ y इज फोर्टीन, स्लोप ऑफ लाइन इज माइनस वन बाई फोर्टीन। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, सो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट माइनस वन होगी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो टू एक्स प्लस टू है, तो टू एक्स प्लस टू की प्रोडक्ट, स्लोप ऑफ लाइन माइनस वन बाई फोर्टीन, दोनों की प्रोडक्ट माइनस वन के इक्वल होगी, सो ये 2x प्लस टू इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस 14 हो जाए, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट में रख दिया जाए तो y की वैल्यू क्या बनेगी, देखिए 6 स्क्वेयर 2 इंटू 6 प्लस 6, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, हम इसको सॉल्व करें, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 12 48 प्लस 6 54, तो ये आएगा 54। ठीक है, तो पॉइंट आ गया 54।
therefore point on the car. Is x आ गया हमारे पास 6, तो y है 54. इस पॉइंट पर स्लोप निकालें एट पॉइंट 6:54 डी वाई अपॉन डी एक्स. तो देखो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स ही आ रहा है, इसमें x का मान 6 रखे हैं तो ये आ जाएगा 14. तो देयर फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 6:54 इज, ये बनेगा y माइनस वाई वन 54, स्लोप इज 14, x माइनस एक्स वन इज 6. तो y माइनस 54 इज इक्वल टू 14x माइनस ये 84 हो गया. आप इनको इधर ले आए 54x माइनस वाई माइनस 30. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 7. ये कर्व है हमारे पास पैरेलल टू द लाइन. लाइन हमें दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0. देखो सबसे पहले हम dy वाई बाई डी एक्स निकाल लें इसका. तो dy वाई अपॉन डी एक्स 2x माइनस 2, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया. dy वाई बाई डी एक्स कर्व को डिफ्रेंशिएशन करने से हमें क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिल गया. अब देखो जो लाइन है, गिवन लाइन हमारे पास दे रखी है, गिवन लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0. डिफ्रेंशिएट कर लो इसको भी विद रेस्पेक्ट टू x, यह आ जाएगा 2 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0. सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया भाई यहाँ पर. तो स्लोप ऑफ लाइन आ गया, ये स्लोप ऑफ लाइन ये आ गया 2. नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे. स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2x माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन. तो ये आ जाएगा भाई 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 आ गए. ठीक है, अब x का मान 2 फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7. सो ये आ जाएगा 7. तो हैंस पॉइंट ऑन द कर्व आ गया पॉइंट ऑन द कर्व इज x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 7. अब इस पॉइंट पर स्लोप निकाले एट पॉइंट 2:7 डी वाई अपॉन डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकालेंगे. स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट इस पर 2:7 पर, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 2 इंटू 2 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 2. तो हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2:7 वाई माइनस वाई वन एम y माइनस वाई वन एम एम इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू x माइनस एक्स वन, एक्स वन इज 2. तो ये आ जाएगा y माइनस 7 टू एक्स माइनस 4. आप इसको इधर लें तो 2x माइनस वाई प्लस 3, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व. ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व हमें मिल गया. अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स है भाई ये. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20.
6. Find the equation of tangent to the curve. Y is equal to under root 3x minus 2 and which is parallel to the line. Line हमें दे रखी है 4x minus 2y plus 5 is equal to 0. ये हमारे पास line है जो कि tangent इस line के parallel है. Tangent है वो इस line के parallel है. ये first मान लेते हैं. डिफ्रेंशिएट करें हम इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यह आ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 2 का और करना है 3 आ जाएगा डेरिवेटिव. अब देखिए स्लोप ऑफ लाइन हम निकालें तो स्लोप ऑफ लाइन यहाँ से इस लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई 2 आ जाएगा. तो ये जो था ये तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट था. डी वाई बाई डी एक्स जो मिला कर्व को डिफ्रेंशिएशन करने से ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ लाइन क्योंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन है इसलिए स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 अंडर रूट 3x माइनस 2 स्क्वेयरिंग कर दे तो 9 इज इक्वल टू 16 इंटू 3x माइनस 2. अब यहाँ से 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 16 तो यहाँ से x इज इक्वल टू ये आ जाएगा यस 3x इज इक्वल टू 9 अपॉन 16 प्लस 2 41 अपॉन 16 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 41 अपॉन 48. क्लियर. तो ये x का मान आ गया हमारे पास. अब x की वैल्यू हम कर्व में रखें तो पुट x इज इक्वल टू 41 अपॉन 48 इन इक्वेशन फर्स्ट. देखो y की वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 2 ये 3 अपॉन 4 आ जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 4. तो देयर फोर पॉइंट ऑन द कर्व आ गया. तो देयर फोर पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट ऑन द कर्व इज x इज 41 अपॉन 48 एंड y 3 अपॉन 4. तो भाई ये पॉइंट ऑन द कर्व आ गया. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड आउट करना है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 41 अपॉन 48 3 अपॉन 4 इज y माइनस y1 यानी 3 अपॉन 4. स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2 इंटू एक्स माइनस एक्स 1. ठीक है. तो यहाँ से देखो y माइनस 3 अपॉन 4 ये 2x माइनस 41 अपॉन 24. तो एलसीएम अगर हम लें तो 24 एलसीएम आता है. 4 और 24 ये एलसीएम है, ये 24 आएगा. तो 24 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 24y माइनस 18 48x ठीक है माइनस 41. तो इनको इधर ले जाएं तो 48x माइनस 24y ठीक है माइनस 24y माइनस ये 18 प्लस का हो जाएगा 41 माइनस 18 तो ये आ जाएगा 23 इज इक्वल टू 0. तो ये बनेगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी. अब इसी क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे. देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 है तो फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल की ज़रूरत पड़ेगी. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट इसमें 2 था तो स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा.
therefore equation of normal at point 41 upon 48 or 3 upon 4 is y minus y1 3 by 4 slope minus 1 by 2 x minus x1 41 upon 48. तो देखो दो से हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2y माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 41 अपॉन 48. तो देखो 48 से मल्टीप्लाई करूँ मैं क्योंकि इसका एलसीएम है वो 48 आना है, तो मैं इसको 48 से मल्टीप्लाई कर दूँ. 48 से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा देखिए, 96y 48 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 72 हो जाएगा, माइनस 48 प्लस 41. आप इनको इधर ले आएँ तो 48x प्लस 96y 41 इधर आकर माइनस का होगा 113. तो ये इसका सॉल्यूशन बनेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनेगी. ठीक है, तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 find the equation of tangent to the curve y is equal to cos x plus y where x is minus 2 pi to 2 pi. Parallel to the line, लाइन हमें गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू दिस लाइन. तो देखो सबसे पहले हमें इसको डिफ्रेंशिएट करें, कर्व को डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x. तो dy अपॉन dx, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, कोस एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और एक्स का वन और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स. हम इसको इधर ले आएँ भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वाई. सो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें हम इससे, तो आ जाएगा वन प्लस साइन एक्स प्लस वाई, यह आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई. सो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, यह आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन वन प्लस साइन एक्स प्लस वाई. स्लोप ऑफ लाइन निकालें, स्लोप ऑफ लाइन. तो देखो स्लोप ऑफ लाइन निकालें तो ये लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, ये स्लोप ऑफ लाइन आ गया. नाउ क्योंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन सो देयर स्लोप मस्ट बी इक्वल, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन. तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये स्लोप ऑफ लाइन है, ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से अब आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई. साइन एक्स प्लस वाई को इधर लाएं तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई और इज इक्वल टू 1.
तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू, एक तो 90, पाई बाई टू साइन 91 होता है, और क्योंकि इंटरवल हमारा माइनस टू पाई से टू पाई है, तो फिर माइनस थ्री पाई बाई टू पर भी साइन की वैल्यू 1 होती है, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई पाई बाई टू और माइनस थ्री पाई बाई टू। देखो जब x प्लस वाई पाई बाई टू है, तो फ्रॉम कर्व फर्स्ट से देखिए, इस कर्व से देखिए y की वैल्यू जो बनेगी, y इज इक्वल टू कोस x प्लस वाई की वैल्यू पाई बाई टू रखे 90, तो कोस 90 कितना होगा, जीरो, और कोस 90 जीरो, तो यहाँ पर देखो इसी में जब x प्लस वाई पाई बाई टू है तो y की वैल्यू जीरो आ गई, तो फिर x कितना रह गया, पाई बाई टू रह गया। ऐसे ही जब x का मान माइनस थ्री पाई बाई टू है, तो फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू देखो, तो कोस माइनस थ्री पाई बाई टू और कोस थ्री पाई बाई टू कितना होता है, जीरो, तो फिर यहाँ से x की वैल्यू कितनी बनेगी, तो यहाँ से x की वैल्यू, तो देखो x की वैल्यू, y का मान जीरो आ गया, तो माइनस थ्री पाई बाई टू, ठीक है। तो हेंस पॉइंट ऑन द कर्व आ गया, तो देर फोर पॉइंट ऑन द कर्व x का मान पाई बाई टू, तो y का मान, x का मान पाई बाई टू है तो y का मान जीरो, एंड x की वैल्यू माइनस थ्री पाई बाई टू है तो y की वैल्यू जीरो। ये दो पॉइंट आगे कर्व के ऊपर। अब इन दोनों पॉइंट पर स्लोप देखो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पाई बाई टू जीरो, एट पाई बाई टू जीरो पर ये स्लोप माइनस वन बाई टू आएगा इसका, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज माइनस वन बाई टू। ऐसे ही स्लोप ऑफ टेंजेंट एट माइनस थ्री पाई बाई टू और जीरो पर, इस पॉइंट पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आएगा, माइनस टू, क्यों, स्लोप लाइन का जो स्लोप है वो माइनस वन बाई टू है और टेंजेंट है वो लाइन के पैरेलल है, तो स्लोप बराबर रख देंगे हम। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एट पाई बाई टू जीरो, वाई माइनस वाई वन, स्लोप माइनस वन बाई टू, एक्स माइनस एक्स वन, तो देखो यहाँ से टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई बाई टू, एक्स को इधर ले आओ, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फाइव बाई टू। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट माइनस थ्री पाई बाई टू जीरो, तो वाई माइनस वाई वन, स्लोप इज माइनस वन बाई टू, एक्स माइनस एक्स वन, तो ये आ जाएगा टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री पाई बाई टू, तो ये आ जाएगा x प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री फाइव बाई टू। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट माइनस थ्री फाइव बाई टू और जीरो। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वाई इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, माइनस एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो एट द पॉइंट वेर इट कट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्स को कट करता है, तो देखो एट एक्स एक्सिस वाई का मान जीरो होगा, एट एक्स एक्सिस वाई जीरो, ठीक है, तो वाई की वैल्यू हम इसमें जीरो रखेंगे, तो जीरो माइनस एक्स प्लस सेवन, तो एक्स इज इक्वल टू सेवन, तो एक्स की वैल्यू आ गई सेवन, तो देयर फोर पॉइंट ऑन द कर्व आ गया, देयर फोर पॉइंट ऑन द कर्व
इज एक्स का मान 7 तो वाई की वैल्यू 0, तो 7 0 आ। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए इस पॉइंट के ऊपर हमें, 7 0 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना, तो कर्व का डिफरेंशिएशन कर दें, तो डिफरेंशिएट करो कर्व को विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले पहले इस कर्व को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो वाई इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू इंटू बी, वाई एज इट इज, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, ये माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 एज इट इज, तो वाई का डेरिवेटिव dy अपॉन dx माइनस 1 ये इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy अपॉन dx एट पॉइंट देखिए 7 0 पर, एट पॉइंट 7 0, तो x का मान 7 y का मान 0, तो जैसे ही आप y का मान 0 रखोगे 0 हो जाएगा, x का मान 7 रखेंगे, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 35 प्लस 6 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 हो गया ये, तो यहाँ से dy अपॉन dx 55 माइनस 35 20, तो ये 1/20 आ गया, तो इसका जो स्लोप आएगा वो 1/20 आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, पॉइंट है हमारे पास 7 0, तो y माइनस y1 स्लोप 1/20, x माइनस x1 तो 20y x माइनस 7, तो यह आ जाएगा x माइनस 20y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, टू द कर्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ले लेता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट ओके यस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू ए एट द पॉइंट ए स्क्वेयर बाई 4 अपॉन ए स्क्वेयर बाई 4। देखो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 1/2√x, 1/2√y dy by dx is equal to 0, so dy upon dx ये आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से dy upon dx हम निकाल लें तो ये बनेगा माइनस यस 2√y upon 2√x, टू कैंसिल एट पॉइंट ए स्क्वेयर बाई 4 ए स्क्वेयर बाई 4, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वेयर बाई 4 अंडर रूट ए स्क्वेयर बाई 4 कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज माइनस 1 आ गया इसमें। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए स्क्वेयर बाई 4 ए स्क्वेयर बाई 4 इज वाई माइनस वाई 1 इंटू स्लोप इज इक्वल टू स्लोप माइनस 1 एक्स माइनस एक्स 1, तो ये वाई माइनस ए स्क्वेयर बाई 4 ये माइनस एक्स प्लस ए स्क्वेयर बाई 4, इनको इधर ले आए तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 2 ए स्क्वेयर बाई 4, 2 2 4 हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2x प्लस 2y माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
to the path. Okay, now next question is, show that the equation of the ellipse, equation of ellipse, equation of ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Show that equation of tangent to the ellipse at point x1 y1 is x x1 upon b plus y y1 upon x x1 upon a square y y1 upon b square is equal to 1. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें ये दिखानी है, इस पॉइंट पर दिखानी है. तो कैसे दिखाएंगे कि भाई पहले अपना कर्व तो इलिप्स दे रखा है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स हम निकाल लें तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, हम इस पर निकाले तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स अपॉन ए स्क्वेयर ये बी स्क्वेयर अपॉन टू वाई. तो ये आ गया टू से टू कैंसिल, एक्स बी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर वाई एट पॉइंट एक्स वन वाई वन. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स एक्स वन बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर वाई वन. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वन वाई वन इज भाई वाई माइनस वाई वन, ठीक है, स्लोप हमारा माइनस एक्स वन बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर वाई वन, ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन. यहाँ से आप देखें भाई ये ए स्क्वेयर वाई वन, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट में, तो ए स्क्वेयर वाई वाई वन माइनस ए स्क्वेयर वाई वन स्क्वेयर, यह आ जाएगा एक्स एक्स वन बी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस ये एक्स वन स्क्वेयर बी स्क्वेयर. अब यहाँ से देखो हम इसको इधर ले लें और इनको इधर ले लेते हैं, तो ए स्क्वेयर वाई वाई वन प्लस एक्स एक्स वन बी स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई वन स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से देखिए वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वेयर एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे एक्स वन स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर और वाई वन स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर. अब देखिए क्योंकि ये जो पॉइंट है एक्स वन वाई वन ये कर्व पर लाई करता है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये जो पॉइंट है कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो देखिए ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन फर्स्ट को, तो देयर फोर सेटिस्फाई करेगा. देखिए एक्स की जगह एक्स वन रखें तो ये आ जाएगा एक्स वन का स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, वाई की जगह वाई वन रखें वाई वन स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, तो ये एक्स वन स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आती है 1. तो ये जो वैल्यू है ये रिड्यूस हो गई किस में, 1 में रिड्यूस हो गई, ठीक है. तो ये इसका सॉल्यूशन था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द कर्व एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर एक्स वाई इज इक्वल टू के कट एट राइट एंगल
ये कर्व है राइट एंगल पर कट करते हैं इफ 8k² इज इक्वल टू 1। अगर 8k² इज इक्वल टू 1 हो तो ये दोनों कर्व राइट एंगल पर कट करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये दोनों कर्व कहाँ कट करेंगे, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो एक सिंपल सी बात है, मैं देखिए सेकंड कर्व में एक्स का मान यहाँ रख दूँ, एक्स की वैल्यू वाई स्क्वेयर है तो मैं एक्स की जगह वाई स्क्वेयर रख दूँ, तो ये वाई की वैल्यू के रेज टू पावर 1/3 आ गया। तो ये पुट कर दें फर्स्ट में, तो यहाँ से देखो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, के रेज टू पावर 2/3। तो देयर फोर दोनों कर्व कर्व फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरसेक्ट करेंगे किस पर, इंटरसेक्ट एट पॉइंट एक्स की वैल्यू तो के की पावर 2/3 और वाई की वैल्यू के की पावर 1/3। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया दोनों का। अब फर्स्ट कर्व को डिफ्रेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, ये 2y dy अपॉन dx। तो यहाँ से dy अपॉन dx ये 1 अपॉन 2y हो गया एट पॉइंट के रेज टू पावर 2/3 के रेज टू पावर 1/3। तो देखो dy अपॉन dx ये 1 अपॉन 2y, y का मान k की पावर 1/3 है, ठीक है। तो लेट इस स्लोप को हमने मान लिया m1, मैंने इस स्लोप को m1 कहा, तो दिस इज m1, तो हमने इसको m1 मान लिया, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करें सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो एक्स एज इट इज़ यू इंटू वी, जब डेरिवेटिव करोगे तो यू इंटू वी लगेगा, एक्स एज इट इज़ वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ एक्स का 1 के का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स एट पॉइंट, पॉइंट हमारे पास है के की पावर 1/3 और के की पावर के की पावर 2/3 और के की पावर 1/3। इस पॉइंट पर देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स के की वाई की वैल्यू के की पावर 1/3 और एक्स की वैल्यू के की पावर 2/3, तो ये नीचे ले आके घट जाएंगे, इसमें के की पावर 1/3 रह गए, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसको हम स्लोप कह देते हैं m2, लेट इस स्लोप को मैंने मान लिया m2, ठीक है। तो ये वाला जो स्लोप है हमारा ये m2 है। अब क्योंकि राइट एंगल पर है, दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो राइट एंगल पर कट करते हैं, इनकी स्लोप प्रोडक्ट क्या होगी, -1 m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ये गिवन है। हाँ भाई ये गिवन है, क्योंकि कर्व है वो राइट एंगल पर कट करते हैं। तो m1 तो हमारे पास 1 अपॉन 2 इंटू के की पावर 1/3 और m2 -1 अपॉन के की पावर 1/3, दिस इज इक्वल टू -1। तो देखिए ये -1 अपॉन ये 2 इंटू के की पावर, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएंगे 2/3 -1, तो नेगेटिव साइन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 2 के की पावर 2/3, ओके। अब यहाँ से देखो हम क्यूबिंग करें, दोनों तरफ क्यूब कर दें, क्यूबिंग दोनों साइड क्यूब कर दें, तो क्यूबिंग करो, क्यूबिंग भाई 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, के की पावर 2/3, इसका क्यूब, पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई दे कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 8k², ये रिक्वायर्ड कंडीशन थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई।